कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एग्जाम का? अच्छा रहा। कितना आप अटेम्प्ट कितना किया? अटेम्प्ट मैंने टोटल अटेम्प्ट किया है, कुछ कुछ लेवल थोड़ा सा टफ लगा। थोड़ा सा का लेवल कैसा आ रहा? टीजीटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा था, मॉडरेट था इसका। जैसा कि कितना अटेम्प्ट कर पा रहा? थोड़ा सा इधर आ गई। सबने तो किया है एवरेज में, मतलब समझिए कि 180 का तो है, सबने अटेम्प्ट किया ही होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सबने जितना आया होगा बनाया होगा। पर ठीक ही है, ठीक है। सही कितना जा रहा लगभग में? लगभग में अप्रोक्स तो 130-140 के अप्रोक्स में लग रहा है कि सही मैंने बनाया है। क्वेश्चन कुछ याद है आपको किसी टॉपिक के? क्वेश्चन मतलब जैसे करंट में पूछा है, अवार्ड से रिलेटेड पूछ रहा है। करंट डाल रहा है इसमें? हाँ, करंट है 22, मतलब 22 का जो है, 22 इयर्स का है उसका पूछ रहा है। अवार्ड से है, फिर फिल्म में जो अवार्ड मिला उससे रिलेटेड है, फिर क्या कहते हैं सम्मान वगैरह जो होता है मिलना वो चीज है। हाँ, फिर NCF CDP में NCF से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्या बोलो, सब कुछ ठीक है। इंग्लिश का लेवल थोड़ा ठीक ही ठाक एवरेज है, ज्यादा टफ नहीं है, हिंदी भी टफ नहीं है, सब कुछ ठीक है एवरेज है। जो आने वाले स्टूडेंट उसके लिए आप क्या कहिएगा? आने वाले के लिए बस थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, बाकी क्लियर हो जाएगा, उतना टफ नहीं है। पर कंपैरिजन किया जाए तो TGT थोड़ा लेवल डाउन था BRT से, बट ठीक है, ये इसका लेवल भी सही था। ठीक है, मेरे व्यूअर को बोल दीजिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। ओके, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू मैम। हाँ तो बताइएगा आपका एग्जाम कैसा रहा? बताइए, मार्क्स उतार ले, मार्क्स उतार ले, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, बताइए। बहुत अच्छा गया एग्जाम। कौन कौन सा आपका पेपर था? मेरा पेपर 1 ही था, PRT का जी। मतलब क्वेश्चन लगभग सब सेम ही था, रिपीटेड क्वेश्चन था, जैसे NEP का फुल फॉर्म पूछा था, ECCE का फुल फॉर्म। कितना अटेम्प्ट कितना गया आपका? अच्छा, सही अटेम्प्ट कितना? 140 तो लगभग हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तो लगभग लगाए हैं सही, बाकी लास्ट में क्वेश्चन जो बता था उसको किसी तरह निकाल दें। कंप्यूटर आर का क्वेश्चन कैसा? कंप्यूटर पूरा इजी क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था उसमें, पूरा इजी क्वेश्चन था। थोड़ा बहुत जो पढ़े होंगे ना उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से निकल जाएगा। थोड़ा अभी जो अगले दिन स्टूडेंट आएंगे उसको क्या करेंगे? अच्छा है, जो भी पढ़े हैं उसको थोड़ा बहुत रिविजन कर लीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। कहा कि आगे पहला पेपर है तो थोड़ा बहुत ईजी कर दिया तो बेटर आगे हो सकता है, या थोड़ा बहुत आगे हार्ड हो सकता है। आज का पेपर बहुत अच्छा था। और बताइए कुछ आपको क्वेश्चन और याद है किसी सब्जेक्ट का? तो याद है जैसे आपका हिंदी में था कि सर्वज्ञ में ज्ञ का जो संयुक्त अक्षर है कौन से अक्षर से मिलकर बना हुआ है? उच्चारण वाला से सब्जेक्ट, उच्चारण। और सिमिलर जो तो सिमिलर था और एंटोनिम साइनोनिम से इंग्लिश में था। इंग्लिश में क्या था? एंटोनिम था। इंग्लिश में लगभग जो बेसिक जनरल इंग्लिश होता है उसमें लगभग 10 मार्क्स से होता है, इजी ही था जी। उसमें एंटोनिम से लगभग सही था जी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।